नौजवान युवा साथीगण, सबसे पहले स्वर्गीय मुद्रिका जी के चरणों पर श्रद्धा के सुमन हम लोग अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पार्टी के एक बड़े नेता रहे, समाजवादी नेता रहे, जगदेव जी के साथ, कर्पूरी जी के साथ, लालू जी के साथ समाजवाद की विचारधारा को लगातार उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया, पार्टी को मजबूत किया, एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनका जो योगदान है वो भूला नहीं जा सकता। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है, आज दीपावली भी है और दीपावली होते हुए सुदय जी ने यहाँ हम सब लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुद्रिका जी को यहाँ बुलाया और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। और हम लोगों का एक ही मकसद है, सपना है कि जो उनका अधूरा काम है उसको हम लोग पूरा करें और समाजवादी विचारधारा को और आगे बढ़ाने का काम करें। जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, जो निचले स्तर पर है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करना है, आगे बढ़ाने का काम करना है। आज हम आप लोगों के बीच मुख्यमंत्री के नाते यहाँ है और ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है जो आज हम लोग सत्ता में आए हैं और उसको मुख्यमंत्री बने हैं। और सभी लोगों को, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई हमारा भाई जो है वो पीछे ना छूटे। अब यहाँ आप लोग सब लोग यहाँ पटना में लोग आए ही तो मिला ही था, आप लोगों की बात तो हम लोग के संज्ञान में है, हम लोगों को जानकारी है। आप लोग सब लोग यहाँ आए, आप लोगों को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई सारी बात जो है पटना लोग आकर के हमको कह दी है। और आज दीपावली का दिन है, हम लोग सब लोग जो है लगे हुए हैं, सारी चीजों को देखा जाएगा, उसलिए आप लोग सब लोग जो है निश्चिंत रहिए। और आचार संहिता भी लागू है, सब लोग जान रहे, जितना भी मेयर का चुनाव हो रहा है, होने वाला है, उसको देखते हुए सभी नगर निकाय, नगर निगम के इलाकों में आचार संहिता भी लागू। तो हम लोग सब लोग यहाँ आए, आप लोगों का फिर से आशीर्वाद लेने आए हैं कि जो सरकार, जो कमिटमेंट के साथ महागठबंधन की सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अब हम लोग सब लोग मिलजुल करके जो सातों दल, या मांझी जी भी है, लेफ्ट के साथी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, सातों पार्टी जो है एकजुट हो गया है। बिहार विधानसभा में एक पार्टी को छोड़ दीजिए, खाली भाजपा को, तो सारा पार्टी एकजुट हो गया है। आप लोग तो जान ही रहे भाजपा क्या कर रहा था दूसरे राज्य में, जहां विपक्षी दल का सरकार था भाजपा खरीद फरोख करके सरकार गिरा रही थी, क्या क्या नहीं किया गया। और बीजेपी के लोग ये भूल गए कि बिहार में अगर कोई समाजवादी राजनीति को अगर कोई कमजोर करेगा तो ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना। और हमारा वादा, आप देखिए क्या वादा था, वादा था कि नहीं था कि सरकार बनेगा तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। आज
नीतीश जी के नेतृत्व में आते ही आप बताइए नियुक्ति पत्र हम लोग बांटना शुरू कर दिए, नौकरी देना हम लोग शुरू कर दिए। और थोड़ा दिन और रुकिए, जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, जो प्रण किया था, उसको हम लोग निभाने का काम कर रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद तो आप लोगों ने चाहे दवाई की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सारी चीजों को जो है हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। और अभी दो महीना हुआ है, दो महीना में हजारों नौकरी हम लोग दे दिए, नियुक्ति पत्र दे दिए। और ये आप लोग देखिएगा कि जहां हम लोग बिहार में नियुक्ति पत्र नौकरी देना शुरू किए, वहीं नरेंद्र मोदी जी देखा देखी 75,000 रूपये नियुक्ति पत्र बंटवाना शुरू कर रहे हैं। 8 साल में 17 करोड़ नौकरी हो गया, से गुना कीजिए, 1 साल में 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, तो 16 करोड़ जो नौकरी। लेकिन आप बताइए बिहार जिसकी आबादी 12 करोड़ है, वहां केवल मेरा विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें 1.5 लाख नौकरियां देंगे, खाली स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरी। बाकी शिक्षा विभाग का अलग है, बिजली विभाग का अलग है, गृह विभाग का अलग है। तो हम लोग इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आज देश का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही से हमको लड़ना है, बेरोजगारी को हमको खत्म करना है। और इसमें हम लोगों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जाए, और विभाग में जितने रिक्त पड़े हुए पद हैं उसको हम लोग भरने का काम करें। और रिक्त पदें भरी जाएंगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरेगा, हर चीज सुधरेगा। पढ़ाई, टीचर होगा तो पढ़ाएगा, प्रोफेसर होगा तो पढ़ाएगा, डॉक्टर होगा तो इलाज करेगा, सिपाही दरोगा होगा तो आपकी सुरक्षा करेगा। उससे डिपार्टमेंट भी जो है पूरी तरीके से मजबूत होगा। और आप लोग सब लोगों से कहना चाहते हैं कि इसी हिसाब से आप लोग एकजुट रहिए। ये भाजपा वाले लोग जब जब हारता है तो हिंदू मुसलमान करने का काम करता है, भाजपा वाला कहीं मिलेगा तो लोगों से नौकरी पूछेगा कि तेजस्वी जी, नीतीश जी, महागठबंधन की सरकार मान लीजिए, लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग बिहार में इतना नौकरी दे रहे हैं, आपका केंद्र सरकार अब तक क्या किया? पूछना चाहिए इन लोगों से क्या काम किया। 15 लाख रुपए खाते में दिए कि नहीं दिए? हम लोग हर एक विषय को देखते हुए हर एक चीज काम कर रहे हैं। आज यहाँ आए हैं, विभागीय कार्य भी है, सभी अधिकारियों को भी जहानाबाद के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी जहानाबाद अब आए हैं तो हम समीक्षा करेंगे कि जहानाबाद जिले को लेकर के और बेहतर ढंग से जो है हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं जिससे जहानाबाद की जनता को लाभ होगा। तो सारा काम हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों से यही हम कहना चाहते हैं, जो विश्वास आप लोगों ने बढ़ा करके रखा है उस विश्वास को आप लोग टूटने मत दीजिएगा। हम लोग आपके विश्वास पे खड़े होने का काम करेंगे। हम लोग सब लोग यहाँ एकजुट है, सभी पार्टी के दल के लोग यहाँ हैं, हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। हम लोग किसी को जो है साथ नहीं छोड़ेंगे, सबको सम्मानित करने का काम करेंगे, सम्मान देने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज बहुत सारे लोग जो है उनको भी बोलना था, लेकिन आज आप लोग जान रहे हैं मेरा भी थोड़ा तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम है। हम लोग वापस हमेशा हम लोग आप लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन अभी जितने भी विधायक यहाँ आए हैं उन सबका भी हम अभिनंदन करते हैं। दूर दराज से जिले से यहाँ सब लोग पधारे हैं उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं, और आप लोगों का फिर से अभिनंदन करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं आप लोगों को देते हैं। आप लोगों के जीवन में उज्ज्वल भविष्य हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बरसे, यही हम लोगों की प्रार्थना है। भाईचारा जो है, सद्भावना जो है, इसको आप लोग सब लोग बढ़ा करके रखिए। और ज्यादा कुछ ना कहते आप सब लोग काहे ना घबरा रहे, अब तो जनता का, गरीब का सरकार है, सारी चीजों को जो है
तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः मुलरिका जी के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित कर